हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं चंद्र द्वेजा और आपके साथ आगे प्रोसीड करता हूं। इसके पहले वीडियो में हमने आपके साथ सीखा कि कोशीट का फॉर्मेट किस तरह से क्यों डिजाइन किया जाता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होती हैं, कौन कौन से नंबर कहां कहां पर आते हैं। आपको याद होगा ये एक चार्ट हम आपके साथ लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने आपके साथ एक फॉर्मेट सीख लिया था जिसमें कि हमने आपके साथ बातें नहीं की थी क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक कंसिडर किए बिना हमने आपके साथ एक फॉर्मेट बना लिया कोशीट का। फॉर्मेट कुछ इस तरह से, एक बार रीड कर लेते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो कोशीट का फॉर्मेट है, डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट कीजिएगा, डीएम प्लस डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग रॉ मटेरियल भी कहते हैं, राइट। सो इतना करने के बाद हमने आपको कहा रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को आपने ऐड कर दिया, प्राइम कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट में आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड कर दिया। आपको याद होगा अगर तो हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एक दूसरा नाम भी देते थे जिसको हम क्या कहते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, या एक और नाम देते थे दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, राइट। इस फॉर्मेट को भी आप डेफिनेटली कॉपी कीजिएगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है एक समझाने की फॉर्मेट में आपको बताया था, ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, राइट। चलिए, प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया। प्रोडक्शन ओवरहेड आने के बाद जो ये टोटल आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हो गया, उसे हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन से वाले, प्रोडक्शन वाले, राइट। प्रोडक्शन रिलेटेड जो कि एक ये नई अमेंडमेंट भी है, दैट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड हमने यहां पर ऐड कर दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स कौन से वाला, प्रोडक्शन वाला, ये भी ऐड कर दिया। क्वालिटी चेक कॉस्ट भी ऐड कर दिया। पैकिंग कॉस्ट कौन से वाला, प्राइमरी। प्राइमरी पैकिंग मतलब जिसके बिना हम लोग प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते, और इसमें से हमने कहा माइनस कर दीजिएगा सेल ऑफ स्क्रैप, तो सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारा वेस्टेज बच गया है, जिसको हम फिनिश फॉर्मेट में आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको अगर हम उसी स्टेज पर अगर स्क्रैप कर देते हैं, बेच देते हैं, निकाल देते हैं, तो उससे जो हमें अमाउंट रिलाइज होता है वो हमारी कॉस्ट को कुछ हद तक रिड्यूस कर देता है। तो ये अमाउंट यहां से हटा देंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हम आपके साथ सिर्फ इसको यहां पर लिख के बना रहे हैं, नथिंग एल्स। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड अलग से, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग से, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दोबारा से आ गया, और ये दोबारा से कौन सा वाला आ गया, जनरल वाला। ऊपर जो हमने ऐड किया था वो कौन सा था, प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना पता हो कि प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सा है, तो मानते हैं कि वो ये जनरल वाला ही है, राइट। इसमें हम लोग पैकिंग और ऐड कर देंगे, पैकिंग फिर से कौन सा वाला, सेकेंडरी वाला, राइट। तो सेकेंडरी पैकिंग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो वहां पास क्या आ जाएगा, सेल्स। तो इस तरह से हमने बेसिकली कॉस्ट शीट का एक बेसिक फॉर्मेट कंप्लीट कर दिया, बट इस फॉर्मेट के अंदर अभी तक हमने क्या कंसिडर नहीं किया है, ओपनिंग स्टॉक एंड या फिर क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो पहले तो हम लोग इस बात के बारे में बात करेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, इसको कंसिडर क्यों करना चाहिए, और ये कैसे कंसिडर करना चाहिए, मीन्स इसको प्लस करना चाहिए या माइनस। आपको याद होगा आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को ऑलरेडी कुछ हद तक ट्रीट कर चुके थे। आपको हमने मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स के फॉर्मेट में बचपन में जरूर सिखाया होगा कि स्टॉक जो है वो दो तरह का होता है, नंबर वन क्लोजिंग एंड नंबर टू ओपनिंग, राइट। क्लोजिंग से ओपनिंग बनता है, राइट। क्लोजिंग से ओपनिंग बनता है, मीन्स आज का जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग बन जाएगा। 31 मार्च का जो क्लोजिंग होगा वो 1 अप्रैल का ओपनिंग बन जाएगा। 31 दिसंबर का जो क्लोजिंग होगा वो 1 जनवरी का ओपनिंग बन जाएगा। तो क्लोजिंग से ओपनिंग बनता है, राइट। सो क्लोजिंग स्टॉक है और आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि बच्चों हम लोग इस क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को अपने कॉस्टशीट के अंदर प्लस करें या माइनस करें, राइट। प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, इस बारे में हम आपके साथ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में इसके हम क्या ट्रीटमेंट करते थे, फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते थे। अगर आपको याद होगा तो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड बनता था। मैंने कहा 2018-19 से रिलेटेड मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो आपके बचपन की याद आपको ताजा करवा रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ऐसे लाइनें ड्रॉ करके, अभी भी बनाते होंगे, राइट। तो इस तरह से आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे,
अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, तो इसमें लिखते क्या थे? नो डाउट डेबिट साइड में आप लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या कहते थे? डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को आपने डेबिट साइड बोल दिया, राइट हैंड साइड को आपने क्रेडिट साइड बोल दिया। लेफ्ट हैंड साइड में आपने बेसिकली सभी के सभी एक्सपेंसेस लिख दिए और राइट हैंड साइड में सभी के सभी रेवेन्यू लिख दिए, इनकम्स लिख दी, राइट, इनकम्स या फिर रेवेन्यूज। तो इनकम्स और रेवेन्यू आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया, राइट। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, नो डाउट आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता था, नो डाउट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे जाकर कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, तो वो भी डेफिनेटली एक प्रोसेस होता है। अच्छा, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नो डाउट डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं, राइट हैंड साइड में इनकम्स आती हैं। मैं बाकी सारी चीजों को तो कंसिडर नहीं कर रहा हूं, यहां पर समझाने के लिए मैं मान रहा हूं कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी का काम होता है सामान परचेस करना और सेल्स करना, राइट। ट्रेडिंग कंपनी का काम होता है सामान परचेस करना और सेल करना। सपोज करो ट्रेडिंग कंपनी जो है सपोज वॉचेस में डील करती है, वॉचेस में डील करती है, और वो वॉचेस जो है वो बाय करती है और सेल करती है। तो इस तरह की ट्रेडिंग कंपनी ने कुछ वॉचेस बाय की हैं, सपोज करो हमारी ट्रेडिंग कंपनी ने 500 वॉचेस बाय की हैं एट द रेट ऑफ 500, राइट। तो हमारी ट्रेडिंग कंपनी यहां पर डेबिट साइड में क्या एक्सपेंस दिखाएगी? 550,000 रुपीज, ठीक है ना। अब सर इसके बाद ये ट्रेडिंग कंपनी जो है इसको बेचेगी भी, राइट, और जब बेचेगी तो इनकम अराइज होगी, सेल्स अराइज होगी। और बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी जब इन वॉचेस को बेचे, अगर 100 वॉचेस परचेस की हैं तो 100 वॉचेस ही मार्केट में सेल आउट हो जाए। हो सकता है कि वॉचेस जो सेल आउट हो वो कुछ कम हो, ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपने 100 वॉचेस परचेस की हैं तो 110 नहीं बेच सकते, आप बेचोगे तो इससे कम, राइट। तो सपोज करो कि आपने जो है 80 वॉचेस बेची हैं एट द रेट ऑफ 900, 500 में खरीदा था 900 में बेच दिया, कोई और खर्चा नहीं है, हमने एक मिनट के लिए एज्यूम कर लिया, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रेडिट साइड में आपके पास जो टोटल इनकम आ गई दैट इज 72,000। अब 72,000 की इनकम है, 50,000 का आपने डेबिट में एक्सपेंस किया हुआ है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि जो डिफरेंस है 22,000, इसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट नाम देना चाहता हूं, आर यू एग्री विद मी, राइट। कुछ अजीब लग रहा है, बताओगे क्या? अजीब यह लग रहा है कि सर राइट हैंड साइड में जो आपने वॉचेस बेची हैं 900 के हिसाब से, वो कितनी बेची हैं? 80, 80, और जबकि आपने खरीदी कितनी थी? 100। मतलब अभी तक आपने 20 वॉचेस जो है बेची ही नहीं है, राइट, वो आपके पास अभी भी रखी हुई है। व्हाट आई मीन टू से, ये जो सेल्स है ये 80 वॉचेस के रिस्पेक्ट से है, एक्सपेंस जो है आपने जो डेबिट साइड में शो किया हुआ है ये 100 वॉचेस के रिस्पेक्ट से है। आप इनके डिफरेंस को प्रॉफिट कह ही नहीं सकते, राइट, इसके डिफरेंस को आप प्रॉफिट नहीं कह सकते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको याद होगा एक प्रिंसिपल होता है, दैट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल। और मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? दैट द रिवेन्यूज एंड एक्सपेंस मस्ट मैच्ड विद ईच अदर, राइट। मींस अगर इनकम जो है वो 80 वॉचेस की है तो एक्सपेंसेस भी आपके पास 80 वॉचेस का ही होना चाहिए, बट ये हो नहीं रहा क्योंकि आपने एक्चुअल में तो 100 वॉचेस परचेस की है ना कि 80, राइट। सो व्हाट वी मीन टू से, हम क्या करें? हम परचेजेस को कम कर दें, परचेजेस को कम कर दें, क्योंकि 100 वॉचेस के भाई ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 31 मार्च 2019 जैसे ही आया तो 31 मार्च 2019 को बाकी जो 20 वॉचेस बची थी उसको किसी को भी किसी भी हालत में बेच कर आ जाए, कोई लेने को तैयार भी नहीं है उसको जबरदस्ती बेच दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। हाँ, हम ये काम कर सकते हैं कि जो खर्चा हमने डेबिट साइड में एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है उस खर्चे को कुछ हद तक कम कर दें, राइट, और उस खर्चे को डेबिट साइड में जो कम कर दें उसके लिए क्या करें? डेबिट में से माइनस कर दें। या हम डेबिट में से माइनस नहीं करते बच्चों, हम क्या करते हैं, हम लोग इसको राइट हैंड साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में दिखाते हैं विद द नेम क्लोजिंग स्टॉक, राइट। और क्लोजिंग स्टॉक जब हम दिखाते हैं 20 वॉचेस का, तो उसकी जो प्राइसिंग रखते हैं वो कौन से रखते हैं? वो प्राइस जो कि हमने खर्च की है, हमने यहाँ पर परचेजेस के रिस्पेक्ट से जो अमाउंट खर्च किया है 500 का है। हालांकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए बहुत बहुत सारे मेथड्स हैं, फिलहाल मैं आपको बहुत सारी कंफ्यूजन में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक्सपेंस 500 रुपए का आपने किया है तो 500 रुपए की कॉस्ट 20 वॉचेस की आप डेबिट साइड में से माइनस करना चाहोगे, क्योंकि अगर आप
डेबिट साइड में 20 वॉचेस की जो कॉस्ट है वो माइनस कर दोगे। मैंने कहा सर सपोज करो 20 वॉचेस के कॉस्ट 500 के हिसाब से आपने 50,000 से माइनस कर दिया, यानी कि 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड में माइनस कर दिया, तो डेबिट साइड में जो अमाउंट बचेगा वो कितनी वॉचेस का बचेगा, 80 वॉचेस का। तो अगर एक्सपेंस बाकी जो बच जाएगा वो अगर 80 वॉचेस की रिस्पेक्ट से होगा, रिवेन्यू भी 80 वॉचेस की रिस्पेक्ट से है, तो मैचिंग प्रिंसिपल हमारा फॉलो हो रहा है और इस केस में हम लोग जो है डिफरेंस को अपना ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हैं, राइट। बट हम लोग डेबिट साइड में माइनस नहीं करते, और माइनस ना करके हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं इसको क्लोजिंग स्टॉक के नाम पर, और क्लोजिंग स्टॉक के नाम पर ये जो अमाउंट है वो कितने रुपीज का है, 10,000 रुपीज का, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000, और इस तरह से हमने क्रेडिट साइड में इसे शो किया, और इस तरह से हमने कैलकुलेशंस भी की, हमने कैलकुलेशंस की, दिस इज 82,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट 22,000, इट्स 32,000, राइट। अब हम इस 32,000 को अपना ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल द फाइनेंशियल, राइट। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक भी है, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्या किया, क्रेडिट साइड में दिखाया, और जो क्रेडिट साइड थी वो आपकी कौन सी साइड थी, इनकम साइड, यानी कि आप हमेशा हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को इनकम साइड में शो करेंगे, राइट। और अगर आप इनकम साइड में शो करोगे तो नो डाउट अगर एक्सपेंस की बात करते हो तो एक्सपेंस में से माइनस करोगे या फिर इनकम साइड में शो करोगे, तो याद रखना इस बात को, हम आगे जाके प्रोसीड करेंगे, राइट। अच्छा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये नेक्स्ट टाइम मीन्स हमने आपको ये बता दिया कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 का है, 10,000, और अगर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का है तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे 31 मार्च 2019 का है, तो ये अगली बार यानी कि 1 अप्रैल 2019 को, 31 मार्च 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 अप्रैल 2019 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। मीन्स जब नेक्स्ट ईयर हम लोग दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में जो शुरुआत करेंगे वो इस ओपनिंग स्टॉक से करेंगे, और ये ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट लिखेंगे, 10,000 का, राइट। तो अगर आप ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो एक किस्म से डेबिट साइड में बेसिकली क्या आता है, कॉस्ट आती है, तो आपने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, राइट। आपको कहो सर इसका क्या लॉजिक है, सर इसका लॉजिक भी है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। देखिए, जो ये 20 वॉचेस का स्टॉक है 500 के हिसाब से, ये स्टॉक हमारे नेक्स्ट ईयर में सेल हो जाएगा। आई रिपीट, ये जो स्टॉक है ये नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो अगर इस स्टॉक से रिलेटेड रेवेन्यू या इनकम नेक्स्ट ईयर में है, अगर इस स्टॉक से रिलेटेड रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में है तो इसका खर्चा भी हमारे पास नेक्स्ट ईयर में डेबिट साइड में आना चाहिए, और इसी रीजन से हम इस ऑपरिंग स्टॉक को पहले से ही डेबिट साइड में शो करते हैं, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक जो है नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट को क्या कर देगा, नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट को वो इंक्रीज कर देगा, राइट। हम भी यही कहना चाहते हैं आपको कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है, जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक हमेशा हमेशा कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, राइट। हमने आपको कहा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में आएगा, और डेबिट साइड में आने का मतलब ये हुआ, डेबिट साइड में मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर में हम इसको एक्सपेंस मानेंगे। एक्सपेंस इसलिए मानेंगे क्योंकि ये वाला ओपनिंग स्टॉक हमारे नेक्स्ट ईयर में सेल्स का पार्ट होगा। जो ओपनिंग स्टॉक हमारे नेक्स्ट ईयर में होगा वो नेक्स्ट ईयर में सेल हो जाएगा, यानी कि रेवेन्यू का पार्ट जो है क्रेडिट साइड है, तो इससे रिलेटेड एक्सपेंस भी डेबिट साइड में होना चाहिए, और इसी रीजन से हम ओपनिंग स्टॉक को नेक्स्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे, और इसी रीजन से हमने आपको ये कह दिया कि इस वाले ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। सो कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम में लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को इनकम में लिखेंगे या फिर ऐसा कह दो कि नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, राइट। आई रिपीट अगेन, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमेशा किसी भी ईयर में जब भी लिखा जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, यानी कि कहां लिखा जाता है, इनकम में।
या फिर इसको ऐसे कह दो कि लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको माइनस कर रहे हैं, यानी कि डेबिट कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है। मैंने यहां पर जो इफेक्ट लिखा है वो लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में माइनस किया जाता है, या ऐसे कह दो इनकम में प्लस किया जाता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक ट्रीटमेंट इन द फाइनेंशियल अकाउंट। तो क्या हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में भी यही ट्रीटमेंट होगी? यस सर, एग्जैक्टली सेम, राइट। फाइनेंशियल अकाउंट में आपने सीखा या नहीं सीखा मुझे मतलब नहीं है, अब आप डेफिनेटली सीख चुके हैं कि हमारी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट एक्चुअल में क्या होने वाली है, राइट। बट यहां पर हमारी कॉस्ट शीट के अंदर जो स्टॉक होगा वो भी बेसिकली तीन तरह का होगा, ये भी तीन तरह का होगा। नंबर वन रॉ मटेरियल, नंबर टू WIP एंड नंबर थ्री फिनिश गुड्स, राइट। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है अभी 100% काम इस पर कंप्लीट नहीं हुआ। फिनिश गुड्स, काम कंप्लीट हो चुका है, बनकर तैयार है, राइट। नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी टू सेल टू द कस्टमर, राइट। सो दिस इज फिनिश गुड्स। एग्जाम्पल, नो डाउट मैंने कहा सर आप अगर बिल्कुल फाउंडेशन में एडमिशन लेते हैं तो आप क्या है? रॉ मटेरियल, रफ मतलब रॉ मटेरियल है, आप बिल्कुल बिल्कुल नए हैं, अभी आपके ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी है। जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर लोगे, CA बन जाओगे, CMA बन जाओगे, CS बन जाओगे, MBA बन जाओगे, कोई भी डिग्री अचीव कर लोगे, तो उसके बाद आप क्या बन जाओगे? आप क्या बन जाओगे? फिनिश गुड्स, यू आर रेडी टू सर्व द सोसाइटी, राइट। राइट एग्जाम्पल है। और अभी क्या हो? WIP, काम चल रहा है, राइट। यू आर इन मिड, तो दिस इज WIP। मैंने कहा सर सपोज एक फैक्ट्री है जिसमें कि सपोज करो हम लोग वुडन मैन्युफैक्चर करना चाह हम लोग टेबल मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, टेबल, राइट। अब टेबल मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री के अंदर क्या होगा? सबसे पहले बहुत सारा वुडन आएगा, मतलब लकड़ के बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड आएंगे, राइट। और इसको स्टोर किया जाएगा एक स्टोर डिपार्टमेंट में। तो अगर ये स्टोर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी स्टोर्ड है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज आवर रॉ मटेरियल। हमने सामान को लेके आए, रख दिया, इसमें ग्लू भी हो सकता है, इसमें बहुत सारी कीले भी हो सकती हैं, हमने उसको रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में लाके रख दिया है, दिस इज रॉ मटेरियल। जब हमारे पास बहुत सारी टेबल बनकर तैयार होंगे, फिनिश्ड होंगे, एंड इट इज रेडी टू शो इन द शोरूम, शोरूम में हम इसको बिल्कुल लगा देंगे और कस्टमर को दिखाएंगे, देखिए सर कितनी अच्छी हमने हमने जो है बनाई है, इसमें देखो फूल बना हुआ है, राइट, इसमें जो है डिजाइन बना हुआ है, दैट इज XYZ। तो मतलब दिस इज व्हाट? दिस इज फिनिश्ड गुड्स। बट सर एक बोर्ड हम अपनी फैक्ट्री में लेके आया, उसके बाद हमने इसको कट किया, और कट करने के बाद इसके जो छोटे छोटे पीसेज हैं उसको ला के हमने रख दिया, और इसके बाद इसमें कुछ हमने इसमें इसको कंबाइंड किया, कुछ को नहीं किया, तो ये जो छोटे छोटे पीसेज हमने कर दिए हैं, ये छोटे छोटे पीसेज 31 मार्च 2019 को, एग्जाम्पल है 2019 को, ये क्या बनेगा? दिस इज WIP, दिस इज नॉट रॉ मटेरियल, दिस इज नॉट इन द एज इट इज फॉर्म, राइट। तो ये छोटे छोटे जो पीसेज हैं इसको हमने क्या कह दिया? दिस इज WIP, राइट। इन पर अभी काम चल रहा है। अगर हमने आधी पॉलिश कर ली है, आधी पॉलिश नहीं किया टेबल पे, तो वो भी WIP है। जब तक हमारा प्रोडक्ट फिनिश नहीं हो जाता, तब तक रेडी टू सर्व टू द कस्टमर नहीं हो जाता, तब तक वो हमारा WIP में ही काउंट होगा, राइट। सो रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, और तीन तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, ये तीनों के तीनों तरह के जो स्टॉक्स हैं, ये तीनों स्टॉक्स हमारे ओपनिंग भी हो सकते हैं, क्लोजिंग भी हो सकते हैं, मतलब टोटल कितने हो गए? 6, रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल क्लोजिंग, WIP ओपनिंग, WIP क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स क्लोजिंग, राइट। अगर ओपनिंग है तो डेफिनेटली वो कॉस्ट में प्लस होगा, अगर क्लोजिंग है तो डेफिनेटली वो कॉस्ट में माइनस होगा, और ये ट्रीटमेंट हमें कॉस्ट शीट में भी करनी होगी, क्योंकि बिना इस ट्रीटमेंट के हम लोग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं ला सकते, मैचिंग नहीं होगा, और मैचिंग नहीं होगा तो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। मैं आपको इस बारे में और भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। फिलहाल मैंने कहा मुझे रॉ मटेरियल को, WIP को, फिनिश गुड्स को, इन तीनों को अपनी कॉस्ट शीट में एक जगह देनी है, राइट। अगर मुझे इन तीनों को अपनी क्वेश्चन में जगह देनी है तो मैं कहां पर इनको अपने क्वेश्चन में जगह दूंगा? उस नंबर से रिलेटेड जहां पर कि मैंने इसको यूज किया है, लाइक रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग है, राइट। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में, सॉरी, इस क्वेश्चन में
हमारे रॉ मेटेरियल से रिलेटेड कौन सा प्लेस है? नो डाउट दिस इज वी हैव फर्स्ट वन. हमारा रॉ मेटेरियल से रिलेटेड जो प्लेस है वो तो ये वाला है, राइट, डायरेक्ट मेटेरियल. तो हम लोग रॉ मेटेरियल से रिलेटेड इन ओपनिंग क्लोजिंग्स को यहीं पर एडजस्ट करेंगे. तो क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग रॉ मेटेरियल्स में प्लस करेंगे और क्लोजिंग रॉ मेटेरियल माइनस करेंगे. देखो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी. कैसे? मैंने आपको कहा था मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा. मैंने कहा मैंने इस रॉ मेटेरियल में, ये रॉ मेटेरियल कौन सा है जो मैंने यहां पर लिखा है, फिलहाल मैंने यहां पर जो रॉ मेटेरियल लिखा है दैट इज बेसिक रॉ मेटेरियल परचेस्ड. रॉ मेटेरियल परचेस्ड, आपने रॉ मेटेरियल परचेस किया सपोज करो 100,000 रुपए का, राइट. अब 100,000 रुपए का रॉ मेटेरियल परचेस करना और एक्चुअल में उसको अपनी फैक्ट्री में यूज करना दोनों अलग अलग बातें हैं. सपोज आपकी एक नई फैक्ट्री है, नई फैक्ट्री के अंदर आपने 100,000 रुपए का रॉ मेटेरियल अपने पास एक स्टोर रूम के अंदर लाके रख दिया, राइट. अब रख तो दिया बट आपने उसको यूज अभी नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि 31 मार्च आ गया, पूरा सामान यूज नहीं हो पाया. अगर यूज नहीं हो पाया तो यानी कि कुछ ना कुछ क्लोजिंग रॉ मेटेरियल बचा होगा, राइट. अगर क्लोजिंग रॉ मेटेरियल बचा होगा, अगर वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है और वो 1 लाख के अंदर इसमें इंक्लूडेड है, तो क्या उसको अपनी कॉस्ट कहेंगे? आई रिपीट अगेन 1 मिनट. मैंने कहा सपोज करो आपने 100,000 रुपए का रॉ मेटेरियल परचेस किया, राइट. अब 100,000 रुपए का रॉ मेटेरियल परचेस तो कर लिया बट सपोज करो 20,000 रुपए का रॉ मेटेरियल क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्मेट में, क्लोजिंग रॉ मेटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, आपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज ही नहीं किया. सॉरी अगर आपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज ही नहीं किया तो क्या आप अपने एक्सपेंस को 100,000 रुपए से दिखाना चाहेंगे या फिर 80,000 से? यस 80,000 से, क्योंकि आपने एक्चुअल में जो यूज किया है वो 80,000 का रॉ मेटेरियल यूज किया है. आउट ऑफ 120,000 इज स्टिल पेंडिंग इन द स्टोर डिपार्टमेंट. तो क्लोजिंग रॉ मेटेरियल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग रॉ मेटेरियल का जो क्लोजिंग वाला हिस्सा है वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस. तो अगर 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दोगे तो बाकी का बच जाएगा 80,000. इसको हम बोलेंगे रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, राइट. और ये रॉ मेटेरियल कंजम्पशन जो है, रॉ मेटेरियल कंज्यूम जो है वो हमारी कॉस्ट का पार्ट होगा, वो कॉस्ट शीट में कंसिडर होगा, राइट. और ये 20,000 का जो रॉ मेटेरियल क्लोजिंग बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग. नेक्स्ट पीरियड में क्या बन जाएगा, ओपनिंग, राइट. और ये वहां पर जाके यूज होगा तो ये उस वाले पीरियड की, उस वाले ईयर की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, राइट. तो उस वाले ईयर में इस ओपनिंग स्टॉक को वहां पर जाके प्लस कर देंगे, राइट. अल्टीमेटली हमने कहा रॉ मेटेरियल परचेस में हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस करने वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल माइनस करने वाले हैं, और जो नेट अमाउंट बचने वाला है दैट इज रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड. रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड. तो देखो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल को हमने यहां पर एडजस्ट किया क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो यहां से यानी कि डायरेक्ट मेटेरियल से रिलेट कर रहे थे, राइट. अब WIP के बारे में बात करते हैं कि WIP का भी ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, तो वो किस से रिलेटेड है? देखो WIP कहां बने बचेगा, क्या वो स्टोर क्या वो शोरूम में बचेगा? नो. क्या वो स्टोर डिपार्टमेंट बने बचेगा? नो. वो बचेगा बेसिकली फैक्ट्री में जहां पर की प्रोसेसिंग हो रही है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. और जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पर मटेरियल तो यूज हो गया होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस भी यूज हो रहे होंगे, प्राइम कॉस्ट भी यूज हो रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी यूज हो रहा है, राइट. और इसके बाद यहां पर बन गया है वर्क कॉस्ट. इस वर्क कॉस्ट के अंदर ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो फैक्ट्री में खर्च हो गए हैं. अगर फैक्ट्री में ये वाले खर्चे खर्च हो गए हैं और हमारे WIP में भी डेफिनेटली अगर कोई भी रॉ मेटेरियल फैक्ट्री में इनपुट भी हो गया तो डेफिनेट लेबर तो उसमें कुछ लगी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ उसमें खर्च हुए हैं, फैक्ट्री के खर्चे उसमें खर्च हुए हैं. तो हम लोग ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP को जो एडजस्ट करते हैं वो इसी वाले नंबर में करते हैं, इसमें वर्क कॉस्ट में, राइट. अब वर्क कॉस्ट में जब इसको एडजस्ट कर देते हैं, मतलब वर्क कॉस्ट में ओपनिंग WIP प्लस एंड क्लोजिंग WIP माइनस, राइट. उसके बाद जो नया नंबर बनता है उसको भी हम लोग वर्क कॉस्ट ही कहते हैं. आप कहेंगे सर ये कैसे बात हुई, पहले भी वर्क कॉस्ट और बाद में भी वर्क कॉस्ट. तो हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने कहा पहले इस वाले नंबर को यानी कि ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP को एडजस्ट करने से पहले जो वर्क कॉस्ट है उसको हमने कह दिया ग्रोस वर्क कॉस्ट, और एडजस्ट करने के बाद जो आपके पास आया उसको बोल दिया नेट वर्क कॉस्ट, राइट. और लास्ट बच गया हमारे पास फिनिश गुड्स. अब हमारा जो फिनिश गुड्स है वो हमारा एक्चुअल में
सारे सब चीजों से रिलेटेड है, बट उसमें वो फिनिश बस एक ही चीज नहीं हुआ है. क्या नहीं हुआ है? सेल नहीं हुआ है, राइट. तो सेलिंग एक्सपेंसेस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इनको एडजस्ट करने से पहले हम लोग हमारा ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट करते हैं, राइट. तो वो एडजस्ट किया जाता है बेसिकली हमारे इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी हैं, क्या नहीं है? ये वाले एक्सपेंसेस, यानी कि ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विद द जनरल एंड पैकिंग एक्सपेंसेस सेकेंडरी, ये नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो खर्चे हैं वो तो हमारे प्रोडक्ट को बेचने के बाद खर्च किए जाते हैं. अगर गुड्स हमारे पास ऑलरेडी हमारे शोरूम में रखा हुआ है तो उन पर हमने बेसिकली सेलिंग ओवरहेड का खर्चा नहीं किया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं किया होगा और इनका नहीं किया होगा. बाकी ऊपर वाले सारे के सारे खर्चे हमने उन पर खर्च कर दिए होंगे और इसी रीजन से हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं. नो डाउट करना वही है, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस. और ऐसा करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये दोनों चीजें एडजस्ट करने के बाद जो नंबर बचता है उसको हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिर हम ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल एंड पैकिंग एक्सपेंसेस सेकेंडरी. कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, सेल्स आ गया. और ये जो आपके पास यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं. अगर कभी आपको बोला जाए कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी अलग से बनाइए तो आप बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स से स्टार्ट करके सेल्स और प्रॉफिट को यहां पर कैलकुलेट करेंगे. तो इस फॉर्मेट में हम इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. यहां पर डेबिट क्रेडिट की फॉर्मेट में नहीं है, यहां पर बिल्कुल सिंपल सीधी वर्किंग है. एक्सपेंसेस को पहले ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. जस्ट लाइक देखिए जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं तो क्या होता था, टी फॉर्मेट होता था. तो आप खर्चे एक साइड में लिखते थे, इनकम को एक साइड में लिखते थे. पर मैं कहता हूं नहीं, हम इन खर्चों को एक साइड में लिखकर इनकम यहां ये क्लोजिंग स्टॉक को यहां पर आके माइनस कर दिया और लास्ट में जो बच गया उसको इनकम में से माइनस कर दिया. तो यू विल हैव द सेम फिगर, यू विल हैव द सेम रिजल्ट, यानी कि यू विल हैव द प्रॉफिट, राइट. सो यही हमने यहां पर क्वेश्चन में किया है. तो इस तरह से हमने बेसिकली ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक को, चाहे वो रॉ मेटेरियल का हो, चाहे वो WIP का हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, यहां पर एडजस्ट कर लिया. अब एडजस्ट करने के बाद हमारा जो फॉर्मेट होगा कोशीट का, नो डाउट चेंज हो जाएगा, राइट. तो ये जो फॉर्मेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगा रहा हूँ इसमें, राइट. आप इस फॉर्मेट को डेफिनेटली यहाँ से देख सकते हैं. नाउ द सेम थिंग, जो जो ऊपर लिखा है वही सब कुछ दोबारा से लिखा जा रहा है, बस प्लस माइनस जहां जहां मैंने आपको बताया है ना वो सब प्लस माइनस कर दिया गया है. लाइक रॉ मेटेरियल परचेज के अंदर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल से स्टार्ट करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल माइनस कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा दैट इज रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड. उसमें दो चीजें ऐड करेंगे, क्या? डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. बाकी जो बच जाएगा दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट आ गया आपके पास, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया, इसको हमने बोल दिया ग्रॉस वर्क कॉस्ट. ग्रॉस वर्क कॉस्ट इसलिए कहा क्योंकि इसमें हम लोग WIP ओपनिंग एंड क्लोजिंग एडजस्ट करने वाले हैं, राइट. सो ओपनिंग क्लोजिंग WIP यहां पर एडजस्ट कीजिएगा. ओपनिंग WIP प्लस एंड क्लोजिंग माइनस, दैट इज कॉल्ड वर्क कॉस्ट. इसको आप लोग नेट वर्क कॉस्ट या सिंपली वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं, राइट. इसके बाद इसमें हमारे ओवरहेड ऐड हो जाएंगे. कौन से वाले ओवरहेड? पहले प्रोडक्शन वाले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन रिलेटेड, क्वालिटी चेक एंड कंट्रोल, और इसके अलावा पैकिंग, प्राइमरी, स्क्रैप, एवरीथिंग जो ऊपर लिखा सेम एज इट इज कॉपी हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. और इसको हमने सेल स्क्रैप माइनस भी कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सारे एक्सपेंसेस आ गए, सिर्फ कौन से एक्सपेंस नहीं आए? सेलिंग वाले और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वाले, राइट. और इसमें हमने एडजस्ट कर दिया ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. कौन से वाला बच्चों? कौन सा वाला रह गया था? एक ही रह गया था, फिनिश गुड्स वाला. तो आपने फिनिश गुड्स वाला जो स्टॉक है ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस और माइनस कर दिया, राइट. और प्लस और माइनस करने के बाद अब आपके पास जो बचता है, याद है हमने आपको एक नया नाम बताया था, दैट वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया. इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, पैकिंग एक्सपेंसेस सेकेंडरी वाले, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कौन सा वाला? जनरल वाला,
ऐड कर दिया एंड ऑल दीज एंड नाउ दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया. कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे. प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? सेल्स, राइट. यहां पर मैं आपको यह भी बताया कि यहां से लेकर यहां तक की जो इनकम है, मतलब स्टेटमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि यहां से यहां तक के जो खर्चे हैं, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, पैकिंग सेकेंडरी एंड दिस वन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, ये हमेशा हमेशा जब खर्च होते हैं वो किस रिस्पेक्ट से खर्च होते हैं? दे ऑलवेज एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स ऑफ यूनिट सोल्ड. जितने भी प्रोडक्ट आपने बेचे हैं उसके रिस्पेक्ट से यहां पर खर्चा होता है, राइट. बट ऊपर की तरफ जो जो लिखा हुआ है, मतलब जितने भी नंबर्स हैं, वो यूनिट सोल्ड के रिस्पेक्ट से खर्च नहीं होते. वो हमारे जो खर्चे हैं वो होते हैं बेसिकली यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की रिस्पेक्ट से. यहां से लेकर कंजम्पशन से लेकर आगे तक जितने भी खर्चे हैं, ये सभी के सभी खर्चे किस रिस्पेक्ट से खर्च होते हैं? यूनिट्स प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट से, राइट. यूनिट्स प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट से खर्च होते हैं ये वाले खर्चे, राइट. एक बार सुनिएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन है, राइट. और जो ये सेल्स है, आप बताओ कि सेल्स जो है वो किस रिस्पेक्ट से है? ये विद रिस्पेक्ट टू, नो डाउट, सेल्स यूनिट्स के रिस्पेक्ट से है, राइट. तो हम लोग इस वैल्यू में से कॉस्ट और प्रोडक्शन जो कि यूनिट्स प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट से है, इसका डिफरेंस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते थे. हमने फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट की, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, राइट. हमने इसमें फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट की. हमने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस तो की हैं बट बेची नहीं है, आई रिपीट, जो यूनिट्स, जैसे कि वॉच वाले एग्जांपल में था, जो यूनिट्स परचेज तो की थी बट बेची नहीं थी, उनको हमने क्या कह दिया था? क्लोजिंग फिनिश गुड्स, राइट. यहां पर हम कह रहे हैं जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस तो की है, मैन्युफैक्चर तो की है बट सेल आउट नहीं की है, राइट. उसको क्या कह दिया है? क्लोजिंग स्टॉक. और वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमने यहां पर माइनस कर दिया है. और अगर ऐसा कोई फिनिश गुड जो लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आया है वो हमने यहां पर एड अप कर दिया है. और ऐसा करने पर इसको हमने क्या नाम दे दिया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. उसके बाद जितने भी खर्चे किए वो सागे सारे विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स ऑफ यूनिट सोल्ड किए. तो अपने आप से ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी किस रिस्पेक्ट से आ गया? विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स सोल्ड. अब क्योंकि ये भी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट सोल्ड है और ये भी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट सोल्ड है, तो डिफरेंस अमाउंट जो है हमारा प्रॉफिट कहलाएगा. और इसमें हमारा मैचिंग प्रिंसिपल भी अब यूज हो रहा है, राइट. सो दिस इज अबाउट बेसिकली कॉस्ट शीट विद ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, राइट. इसके बाद हम आपके साथ न्यूमेरिकल करने वाले हैं. नो डाउट इस फॉर्मेट को भी आपको डेफिनेटली अपने पास एक बार जरूर एक जगह पर होना चाहिए, सो दैट आगे वाले न्यूमेरिकल्स आपके बहुत अच्छे अच्छे हो सके, राइट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल के साथ. बाय.